कई लोगों को गोलियां लगी, कई लोग गोलियों से बचने के लिए कुआं में कूद गए और अपने जान दे दिए। वहां लाशों का ढेर लग गया। वहां पहुंच के खून से सनी हुई मिट्टी को एक बर्तन में भर लिया और उसे लेकर घर आ गए। और वो अपने पीछे किसी विधवा को नहीं छोड़ना चाहते थे। अपने जीवन में अपना परिवार छोड़ा, अपना घर छोड़ा, अपना शहर छोड़ा, अपना आराम भरा जिंदगी को उन्होंने छोड़ दिया। यहाँ तक कि उन्होंने देश के लिए शादी तक नहीं की। और एक हम है कि अपना शहर छोड़ना तो दूर, अपना नींद तक नहीं छोड़ पाते हैं। बाबू मुसाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। दोस्त, ये डायलॉग सिर्फ एक ही व्यक्ति के जीवन में एकदम फिट बैठता है। उनका नाम है शहीद आजम भगत सिंह। उन्होंने 100 साल नहीं जिया बल्कि सिर्फ 23 साल जिया, मगर जो जिया बहुत शानदार जिया। और ऐसा जिया कि पूरा भारत देश उन्हें अगले 1000 सालों तक याद रखेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मैं इस चैनल पे आपको मोटिवेशनल किस्से कहानियाँ सुनाता हूँ। इस वीडियो में हम लोग भगत सिंह के जीवन के बारे में जानेंगे और उनके जीवन से मिलने वाले ऐसे 5 सीख को सीखेंगे जिसे हर एक युवा को जानना चाहिए और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक भगत सिंह की बहुत ही मशहूर कहानी है। एक बार भगत सिंह के पिता और चाचा खेत में गन्ना बो रहे थे। गन्ना बोते बोते उनके पिताजी की नज़र भगत सिंह पे पड़ी और उस समय भगत सिंह भी कुछ बो रहे थे। उनके पिताजी उनसे पूछते हैं, भगत तुम क्या कर रहे हो? तो नन्हा भगत कहता है, पिताजी मैं बंदूकें बो रहा हूँ, इससे हमें आज़ादी मिलेगी। दोस्त, आज़ादी के ऐसे दीवाने थे भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 में लायलपुर नामक ज़िले में हुआ था। अब वह ज़िला पाकिस्तान में आता है। भगत सिंह के पिताजी का नाम किसान सिंह था और माता का नाम विद्यावती था। दोस्तों, जब भगत सिंह का जन्म हुआ तो इनके पिताजी और चाचा जी जेल में थे और भगत सिंह का परिवार शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अधिक सक्रिय था। इसी के कारण भगत सिंह के अंदर आज़ादी की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। और उन्होंने जब पढ़ाई के लिए DAV स्कूल ज्वाइन किया तो वहाँ लाला लाजपत राय और राम बिहारी बोस ने जो थोड़ी मोड़ी कसर बच गई थी उसे भी पूरा कर दिया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। उस दिन अमृतसर के जलियांवाले बाग में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। वो वहाँ रोलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण सभाएँ कर रहे थे। जलियांवाला बाग का चारों ओर का जो बाउंड्री वॉल था बहुत ऊँचा ऊँचा था और उस बाग में आने जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता था। उस समय अमृतसर का जो पुलिस प्रभारी था उसका नाम जनरल डायर था। उसने जलियांवाले बाग में आने जाने का जो एकमात्र रास्ता था उसको बंद करवा दिया और अपनी सेना को आदेश दिया, अंधाधुंध गोलियां चलाओ। गोलियां चलते ही चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। कई लोग तो लोगों के पैर के नीचे आके दब के मर गए। कई लोगों को गोलियाँ लगी। कई लोग गोलियों से बचने के लिए कुआं में कूद गए और अपने जान दे दिए। वहां लाशों का ढेर लग गया। इस घटना में सैकड़ों लोगों की जान गई और हजारों लोग घायल हुए। दोस्तों, भारत के इतिहास में सबसे बड़े नरसंहारों में से ये एक है। तब वह अपने गांव से 35 से 40 किलोमीटर दूर पैदल चल के जलियांवाले बाग पहुँच गए और वहाँ पहुँच के खून से सनी हुई मिट्टी को एक बर्तन में भर लिया और उसे लेकर घर आ गए। और फिर उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि उनका सारा जीवन देश के नाम होगा, देश की आज़ादी के नाम होगा। अब वो जो भी करेंगे देश के लिए ही करेंगे। यह भगत सिंह का जीवन का टर्निंग पॉइंट था। दोस्तों, भगत सिंह के जीवन की यह घटना हमें सिखाती है कि अगर हमें जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें अपने लाइफ का पर्पस मालूम होना चाहिए। हमें किस ओर जाना है, हमें किस ओर बहना है, ये हमें मालूम होना चाहिए। उनके जीवन से ये हमारी पहली सीख है कि हमें पर्पस ऑफ लाइफ पता होना चाहिए। इसके बाद भगत सिंह को देश के लिए कुछ करने का मौका 1921 में मिला, जब गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़कर इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पर 1922 में चौरा चौरी का हिंसक घटना होने के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन वापस लेने से भगत सिंह बहुत ज़्यादा दुखी हुए और अहिंसा के ऊपर से उनका विश्वास हट गया। दोस्त, जैसे हर परिवार में होता है कि माता पिता अपने बच्चों की शादी करवाना चाहते हैं, वैसे ही भगत सिंह के परिवार में भी उनके माता पिता उनकी शादी कराना चाहते थे। पर भगत सिंह को अपनी लाइफ का पर्पस पता था, अपना गोल पता था और वो जानते थे कि जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं वहाँ वो शहीद हो सकते हैं। और वो अपने पीछे किसी विधवा को नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता को समझाया। पर जब वह नहीं माने तब वह घर छोड़कर कानपुर चले गए। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और कानपुर आ गए।
कानपुर आने के बाद 1924 में उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम की संगठन ज्वाइन किया, जहां उनका मुलाकात पंडित चंद्रशेखर आज़ाद से हुआ। जल्दी ही दोनों में बहुत अच्छी मित्रता हो गई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने और संघर्ष करने का काम करता था। इस संगठन में भगत सिंह ने अपने अन्य क्रांतिकारी भाइयों के साथ मिलकर अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए कई कदम उठाए। सन 1928 में साइमन कमीशन नाम का आयोग भारत पहुंचा। इस आयोग का उद्देश्य था कि भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करना, पर इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था। इसी कारण इस आयोग का पूरे भारत में घोर विरोध होने लगा। जब यह आयोग लाहौर पहुंचा, वहां लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे। विरोध के दौरान अंग्रेजी सैनिक ने लाला जी पे हुड़ता से लाठीचार्ज कर दिया और इस घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई और वो शहीद हो गए। लाला जी के शहीद होने की खबर सुनकर भगत सिंह की खून खौल गया। उन्होंने लाला जी की मौत की बदला लेने की ठान ली। ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्कॉट लाला जी की मौत का जिम्मेदार था। भगत सिंह ने अपने अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर जॉन स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, पर इस प्लान में थोड़ी सी चूक हो गई। वो स्कॉट को पहचान न सके और स्कॉट की जगह पे उन्होंने डिप्टी सुपरिटेंडिंग ऑफ पुलिस सैंडर्स को मार गिराया। इसके चलते सारी पुलिस भगत सिंह और उनके साथियों के पीछे लग गई। इसके बाद भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ने का प्लान बनाया, ताकि वो ब्रिटिश सरकार को बता सके कि भारतीयों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कितना गुस्सा भरा हुआ है और अब भारतीय चुप नहीं बैठेंगे, अपनी आज़ादी लेके रहेंगे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली जब चल रही थी तो सेंट्रल असेंबली के भवन में बम फेंका और लाल रंग का पर्चा बांटा, जिसमें लिखा था बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। उस बम से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। बम फटने से चारों ओर अफरा तफरी मच गई भवन में और चारों तरफ धुआं था। इस अफरा तफरी और धुआं में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भाग सकते थे, पर वे भागे नहीं। उन्होंने घटनास्थल पर अपनी गिरफ्तारी दी और इसी के साथ भगत सिंह ने अपना जीवन में जेल को स्वीकार किया। दोस्त, यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि भगत सिंह ने अपने जीवन में अपना परिवार छोड़ा, अपना घर छोड़ा, अपना शहर छोड़ा, अपना आराम भरा जिंदगी को उन्होंने छोड़ दिया। यहाँ तक कि उन्होंने देश के लिए शादी तक नहीं की। और एक हम हैं कि अपना शहर छोड़ना तो दूर, अपना नींद तक नहीं छोड़ पाते हैं। तो दोस्तों, भगत सिंह का जीवन हमें ये सिखाता है कि अगर तुम जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो सबसे पहले त्याग करना होगा, त्याग की भावना अपने अंदर लानी होगी, तभी हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ और गोल को अचीव कर सकते हैं। 15 जून 1929 को जब भगत सिंह लाहौर सेंट्रल जेल गए तो उन्हें भारतीयों कैदी की हालत देखी नहीं गई। वहाँ पे भारतीयों कैदी के साथ बहुत ही बदतर व्यवहार किया जाता था। उन्हें खाने को नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें पानी नहीं दिया जाता था। एक ही सेल में कई सारे भारतीय कैदी को ठूस के रखा जाता था। ब्रिटिश सरकार के भारतीय कैदियों पर अत्याचार को देख भगत सिंह ने सबसे पहले सारे भारतीय कैदी को मिलाया, एकजुट किया और हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए। उनके हंगर स्ट्राइक में पूरा भारत देश उनके साथ आकर खड़ा हो गया और उनके भूख हड़ताल से ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई। और अंत में कांग्रेस के समझाने और भगत सिंह के पिता के समझाने के बाद भगत सिंह ने अपना भूख हड़ताल 5 अक्टूबर 1929 को 116 दिन बाद तोड़ दिया। दोस्तों, 116 दिन का भूख हड़ताल उस समय वर्ल्ड रिकॉर्ड था। दोस्त, भगत सिंह की इस जेल वाली घटना से हमें एक बात सीखने को मिलती है। ये हमारी तीसरी सीख है। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, हमें लगातार अपने गोल की ओर, अपने पर्पस की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमारे पास जो भी संसाधन है उन्हीं को साथ लेकर अपने गोल की ओर बढ़ना चाहिए। भगत सिंह को बचपन से ही बुक पढ़ने का बहुत शौक था। वो अपने स्कूल में ही अपने पाठ्यक्रम के अलावा कई और किताबें पढ़ चुके थे और वो हमेशा अपने खाली समय में नई नई किताबें पढ़ते थे। जेल में भी उन्होंने किताबें पढ़ी। उन्होंने सबसे कह रखा था कि जब भी तुम मुझसे मिलने आओ तो एक नया किताब लेकर मुझसे मिलने आओ। एक बार उन्होंने अपने वकील प्राणनाथ मेहता को लेनिन की किताब लाने के लिए कहा और किताब मिलते ही वो किताब को पढ़ने लगे। भगत सिंह को फांसी 24 मार्च 1931 को देना था, पर अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी फांसी का समय को 11 घंटा आगे कर दिया। अब उन्हें 23 मार्च को फांसी देना था। जब अंग्रेजी अधिकारी भगत सिंह को फांसी के लिए बुलाने आए तो भगत सिंह ने अधिकारियों को कहा, थोड़ा देर रुक जाइए, मैं अभी लास्ट चैप्टर पढ़ रहा हूँ। दोस्त, यहाँ हमें भगत सिंह के जीवन से चौथी सीख मिलती है।
कि अगर हमें अपने जीवन में कुछ पाना है, कुछ अचीव करना है, तो हमें किताबें पढ़नी होगी। किताबें हमारी बौद्धिक विकास के लिए, मानसिक संतुलन के लिए और ज्ञान बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्त, जब भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दिया जा रहा था 23 मार्च 1931 को, तब वो बहुत खुश थे। इससे पहले कोई भी कैदी फांसी के पहले इतना खुश नहीं था। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों फांसी के फंदे को चूमते हैं और उन्हें फांसी दे दी जाती है। और इसी के साथ भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी हमारे बीच से चला जाता है। दोस्तों, अगर भगत सिंह के पूरी जीवन को देखा जाए तो उनका पूरा जीवन जो है साहस से भरा हुआ था। और यहाँ हमें भगत सिंह के जीवन से सीखने के लिए पांचवा सीख मिलता है। अगर हमें अपने गोल को पाना है, हमें कुछ अपने जीवन में अचीव करना है, तो हमें भी भगत सिंह जैसा ब्रेव बनना होगा। दोस्त, अब वक्त आ गया है इस वीडियो का समरी का। इस वीडियो में हमने भगत सिंह के जीवन से 5 मूल्यवान बातें सीखी। नंबर 1, लाइफ में हमें पर्पस ऑफ लाइफ सेट करना है, यानी कि हमें गोल सेट करना है। जब हमारा गोल सेट होगा तभी हम उसे पाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 2, सेक्रीफाइस। हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने अंदर सेक्रीफाइस की भावना, त्याग की भावना लाना होगा। नंबर 3, प्रोएक्टिव। हमें अपने लाइफ में प्रोएक्टिव रहना होगा, यानी कि जो भी संसाधन हमारे पास है, जो भी हमारा हालात है, चाहे हमारी हालात खराब ही क्यों ना हो, हमारे पास संसाधन हो या ना हो, हर एक सिचुएशन में हमें अपने गोल की ओर बढ़ते रहना होगा, जैसे भगत सिंह ने जेल में किया। और हालात और लोगों को दोष देने से कुछ हासिल नहीं होगा। नंबर 4, बुक रीडिंग। दोस्त, जीवन में बुक रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुक रीडिंग से तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है ये तुम्हें पता चलेगा। बुक से ही हमें नए आइडियाज मिलते हैं और कुछ नया करने का साहस मिलता है। 5वां पॉइंट, ब्रेव बनना। भगत सिंह बहुत ही साहसी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उन्होंने साहस से काम लिया। उनका सारा डिसीजन साहस भरा था। इसलिए दोस्त, तुम भी साहसी बनो। दोस्त, साहस बनने का ये मतलब नहीं है कि सामने वाले से झगड़ा कर लो। साहसी बनने का ये मतलब है कि तुम अंदर से स्ट्रांग बनो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, अपना हर डिसीजन और हर काम को कॉन्फिडेंस के साथ करो। दोस्त, अगर आपको भगत सिंह की ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। और अगर तुम मुझे मोटिवेट करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी के साथ आप अपना रखिए ध्यान। जय हिंद, जय भारत।